सदर विधायक राजबाबू उपाध्याय ने की सूचना विभाग द्वारा लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी का फीता काट करके आज शुभारम्भ। उक्त प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं नीतियों उपलब्धियों का किया जा रहा प्रचार प्रसार। सुल्तानपुर विधायक सदर जय सिंहपुर राजप्रसाद उपाध्याय जिलाधिकारी कृतिका ज्योत सना मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं नीतियों उपलब्धियों विकास कार्यक्रमों की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से सभी जनपदों में प्रचार प्रसार हेतु सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास विषयक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का फीता काट कर शुभारम्भ किया। इस प्रदर्शनी में केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं उपलब्धियों और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्टअप मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास रोजगार योजना एक जनपद एक उत्पाद मुख्यमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सहित अन्य योजनाओं को लगाए गए पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उक्त प्रदर्शनी आम जनमानस के लिए आगामी 18 और 19 अक्टूबर 2023 तक तिकोनिया पार्क में अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर जिलाधिकारी जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पांडे जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जिला पंचायत सदस्य अजय कुमार चतुर्वेदी नंदन सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी इंडिया की। प्रदर्शनी तो आप लोग मीडिया भाई हैं, जितना हम बताएं उससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन आपका प्रश्न है तो उसको बताना जरूरी है। हमारी डबल इंजन सरकार जो देश हित में राष्ट्र हित में यहाँ के लोगों के हित में काम कर रही है उसी को हम इन चित्रों के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम लाख कर डाले, अगर अपनी बात हम नहीं बता सकते तो हमें लगता है वो हम अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो संयोग से मेरे साथ DMI बैठी हुई है, शिवजा बैठे हुए हैं, ये अच्छे से जान रहे हैं। खैर ये लोग तो अभी नए, लेकिन आप लोग पुराने लोग आप जान रहे हैं कि जब 14 के पहले आदरणीय मोदी की सरकार नहीं थी तो देश का क्या हाल था, और आज 14 के बाद से लेकर आज तक हम लोग हमारी सरकार क्या कर रही है, और 2017 के पहले जब योगी जी सरकार नहीं थी भाजपा सरकार नहीं थी तो प्रदेश का कितना खस्ता हाल था, हर जगह परेशानियाँ थी, लेकिन आज ये डबल इंजन सरकार का ही परिणाम है। सरकार द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, ये पोस्टर वार से क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं? ये जो योजनाएं का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है इससे जनता को कितना लाभ हुआ या धरातल पर क्या उतरा? जनता तो आप मीडिया के भाई आप स्वयं सोचिए कि वही मैंने बताया 14 के बाद और 17 के बाद आप स्वयं देख रहे हैं कितना फायदा हुआ है। भाई मैं तो गाँव से जुड़ा हूँ, आज़ादी के बाद जितने आवास प्रधानमंत्री आवास हो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो उसका 5% भी नहीं मिला था जो हमारे हमको 14 बार मिल गया। शौचालय के नाम पर इज्जत घर के नाम पर 250-250 रुपये आते थे, हम ये नहीं कहते बेईमानी हुई लेकिन वो जनता के पास नहीं जाते थे। आज हम सब कुछ जो कर रहे हैं चाहे हमारे मुख्यमंत्री की योजनाएं हों चाहे हमारे प्रधानमंत्री के हों सब DBT के माध्यम से बीच में चोरियों खत्म कर दिया गया। आप लोग मीडिया भाई हैं, बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पर नहीं है। डोर स्टेप डिलीवरी को देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, आज जमीन पर मरीजों का इलाज हो रहा है, इन सब को लेकर स्वास्थ्य विभाग में चूँकि हमारे पास मैन पावर हम तो स्वीकार किए हैं उसको, लेकिन उसके लिए हमने मेडिकल कॉलेज खोले, UG PG सीटें बढ़ाई हैं, तो थोड़ा सा जो हमको बहुत खस्ता हाल मिला है तब भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिला अस्पताल जैसे अस्पताल में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर जमीन पर जो है मरीज लेटे हुए हैं। नहीं, जिला अस्पताल में अगर मरीज फर्श पर लेटे हुए तो उसको हम देखेंगे, उसे हमने व्यवस्था दिया है कि मरीज जमीन पर न लेट ले पाऊँ, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको हम संज्ञान लेंगे और संजो से दोनों अधिकारी मेरे पास बैठे हुए हैं, इन लोगों बता लोगों से हम सुन भी रहे हैं, मैं भी उनसे कहूँगा ये लोग भी अपना संज्ञान लें और देखें अगर ऐसा है तो इसको हम नहीं होंगे।